यहाँ पर देखिएगा शीशा वाले टेबल भैया ने इस्तेमाल किया। देख लीजिए ये रहा गाइस यहाँ का मेनू। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी मैं नाउ रोड में हूँ और यहाँ का आप लोग ब्लॉग चेक कर लिया, नाउ रोड में क्या मिलने वाला है। फिलहाल तो यहाँ पर एक खुला है चाय का कुछ, एक बहुत अच्छा कैफे, तो उसके अंदर हम लोग जाते हैं। बिल्कुल नया खुला है, तो यही है गाइस चाय चुस्की द टी हेवन, तो इसी के अंदर जाएंगे। बिल्कुल ये नया खुला है। तो हम लोग आ चुके हैं गाइस अंदर, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का इंटीरियर, लाइट वगैरह पूरे लगाया हुआ है। शाम में या इवनिंग के टाइम लोग आप लोग आइएगा तो और आपको अच्छा लगेगा। हम लोग तो दोपहर में तब इतना खूबसूरत लगा, देखिए लाइट जगमगा रहा है, और इवनिंग या शाम में आइएगा तो बहुत खूबसूरत लगने वाला है। तो आप अपने दोस्तों कपल के साथ भी यहाँ पर आ सकते हैं, फ्रेंडली बिहेवियर है भैया का, बहुत अच्छा है मेरे को लगा। और मेनू अगर मैं आपको दिखाता हूँ क्या रेट, ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं है। देख लीजिए ये रहा गाइस यहाँ का मेनू, कोई पीछे नहीं है, चाय चुस्की कदम को अनाउड विशाल हार्डवेयर के पास है। तो ये यहाँ का मेनू देख लीजिए, चाय कॉस्ट वगैरह लिखा हुआ एकदम 10 रुपये से स्टार्टिंग है, आपको पहले स्टार्टिंग हुआ 10 रुपये से चाय कॉफ़ी मिलने वाला है। बहुत लोगों को चाय पसंद नहीं आता है जैसे कि मेरे को, तो कॉफ़ी आप लोग पी सकते हैं। मैगी मिलेगा, पास्ता मिलेगा, बाइट्स मिलेगा, सैंडविच मिलेगा, मिल्क शेक पूरा यहाँ पर लिस्ट है जो यहाँ पर आपको है। कॉम्बो में भी है, कॉम्बो में आपको हार्डली होम स्पेशल मिलेगा 799, और उससे लास्ट जाएगा सबसे कम कॉस्ट में तो आपको 10 रुपये से स्टार्टिंग है, बाकी आपको 799 में होम स्पेशल है। तो ये कॉम्बो में आपको मिलने वाला है, कॉम्बो मतलब दो तीन आइटम एक ही में रहेगा, तो उसके हिसाब से 110 आई थिंक मेरे को लग रहा है, 350 हाईएस्ट है कॉम्बो में। तो ये देख लीजिए पनीर, पनीर प्लस बर्गर प्लस पनीर टैन ये लीजिएगा तो आपको 350 पड़ेगा, ऐसा सब सिंगल में है। तो ये यहाँ का मेनू गाइस ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत सिंपल है, रेट बहुत सस्ता, मतलब फ्रेंड के साथ आप लोग आ सकते हैं। तो मेनू गाइस मैंने आपको दिखा दिया, ज़्यादा कोई महंगा नहीं है, एकदम 10 रुपये स्टार्टिंग है। चाय मिल जाएगा आपको और कॉफ़ी चाय सब कुछ यहाँ मिलने वाला है। तो हम लोग कुछ खाएंगे फिर बताते हैं कैसा लगता है टेस्ट। और डिज़ाइन का बात तो मैंने आपको बोला कि शाम या इवनिंग के टाइम आप लोग आइएगा तो और खूबसूरत लगने वाला है, अभी तो हम लोग दोपहर के टाइम है तो इतना अच्छा लग रहा है। कोई कम स्पेस ने में भैया ने इतना खूबसूरत बना दिया है, मेरे को बाहर से लगा था कि नहीं अंदर कुछ होगा नहीं, स्टार्टिंग वो ख़त्म हो जाएगा, बट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो देखिएगा जी यहाँ पर, यहाँ पर आप लोगों को बनता है, सर्फ जाता है, बहुत खूबसूरत इंटीरियर, लाइट वगैरह जो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का। यहाँ पर देखिएगा शीशा वाले टेबल भैया ने इस्तेमाल किया, बैठ के यहाँ पर सेल्फी फोटो वगैरह भी आप लोग खिंचवा सकते हो। अभी दो तीन ग्राहक थे तो मैं देखा कि आते ही आते हैं फोटो सेल्फी ले रहे हैं, मतलब लोकेशन बहुत अच्छा है। बट मैं आपको फिर सजेस्ट करूँगा शाम के टाइम लोग आइएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है, लाइट और आपको अच्छा लगेगा। हम लोग दोपहर के टाइम है और थोड़ा ठंडा है मौसम, तो थोड़ा बादल घिरे हुए हैं तब ऐसा लग रहा है, जब आप इवनिंग में आइएगा 5-6 बजे के बाद तो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन कम स्पेस में भैया ने इसे बहुत खूबसूरत बनाया है। तो आज देखिए यहाँ पर फैन नहीं है, फैन की जगह भैया ने एसी का इस्तेमाल किया, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कॉफ़ी गाइस आ चुका है, कॉफ़ी मैंने ट्राई किया, बड़ा अच्छा लगा, मैंने स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी था, चाय तो मैं पीता नहीं हूँ, कॉफ़ी चाय तो चली हर जगह ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हो, मैं तो खाने वाले का टेस्ट बताने गया। मेरा गाइस हमारा सैंडविच, सैंडविच ट्राई करते हैं कैसा भाई टेस्ट, मज़ा आ गया सैंडविच तो, टेस्ट है भाई अच्छा लगा। जैसा कि गाइस मैंने आपको मेनू दिखाया, बिल्कुल 10 रुपये से स्टार्टिंग है, मतलब कॉफ़ी चाय मिलेगी 10 रुपये, खाने वाला आपको 50 रुपये स्टार्टिंग है, तो ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं है। फ्रेंड वगैरह के साथ आप लोग आ सकते हो, यहाँ पर विजिट कर सकते हो। तो भैया यहाँ पर पेटीएम वगैरह भी होगा, पैसे लेकर हर कोई चलता नहीं है, तो आप लोग पेटीएम वगैरह भी कर सकते हैं, पेटीएम गूगल पे यहाँ पर देखिए सब लिखा हुआ है, जो भी ऑनलाइन है पेमेंट आप लोग कर सकते हो। तो फाइनली गाइस मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लगा, 80 रुपया हम लोगों ने खा पी लिया, भैया ने बोला कि यहाँ के जो ऑनर है स्टूडेंट के हिसाब से प्राइस रखा गया है, ज़्यादा कुछ कॉस्टली ज़्यादा महंगा नहीं है। हम लोग नार रोड में है और मेरे पीछे लोग देखिएगा राकेश इंटरप्राइजेज, उमा इंटरप्राइजेज का बोर्ड है, यहीं पर आप उसी के सामने मिल जाएगा चाय चुस्की द टी हेवन। ज़्यादा बड़ा कैफ़े नहीं है बट ठीक ठाक है, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो अगर ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करिए।